Good morning, students. Welcome to online class from RPS Public School. Today, present in class 1 subject maths. एक बार हमसे पहले क्लास में जब था वो पढ़ाए थे और आफ्टर बिफोर बिटवीन सॉरी बिटवीन नहीं बताते बताए थे आफ्टर बिफोर तो उसमें कुछ हमने क्वेश्चन दिया था व्हाट वर्ड्स फॉर्म में जो अक्सर बच्चा गलत बना के मतलब हमने सेम किया आज उसी के बारे में पढ़ते हैं फिर से उसको रिपीट करते हैं क्या है बिफोर Before and after. Before and after. ठीक है तो जैसे हमने लिखा यहां पे बिफोर ठीक है बिफोर लिखना है इसका जैसे 47 का 69 का 85 का ठीक है यहां पे हमने लिखा आफ्टर यहां पे आपको आफ्टर लिखना है ठीक है 39 का 87 का 56 का ठीक है तो ध्यान देंगे इसमें क्या होगा जैसे 47 बिफोर है आई थिंक इससे पता चलता है कि 47 से पहले क्या आएगा तो 46 हो जाएगा 69 से पहले क्या आएगा तो 68 आएगा 85 से पहले क्या आएगा तो 84 आएगा दैट मींस अगर यही वर्ड प्रॉपर के फॉर्म में सुना जाता है कि डैश इज Before 47, dash is before 47. 47 से पहले क्या आएगा? तो 46 होगा? नहीं, ये क्वेश्चन सुनेंगे। फिर dash is before 69. Dash is before 69. 69 से पहले क्या होता है? होता है तो 68 होता है ठीक है डैश इज बिफोर 85 से पहले क्या आएगा तो 84 आएगा ठीक है तो ये आएगा मतलब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे बिफोर 47 47 से पहले क्या आएगा तो 46 होगा तो बहुत सारे बच्चों ने लिखे 48 इज बिफोर 47 ऐसा गलत हो जाएगा ठीक है इस तरह से इसको फिर इसको यहाँ से चलते हैं आफ्टर वाले में ठीक है तो आफ्टर वाले में क्या होगा 39 के बाद क्या आता है 40 हो जाएगा ठीक है 87 के बाद क्या आता है 88 हो जाएगा 56 के बाद क्या आता है तो 57 हो जाएगा ठीक है अगर यही चीज व्हाट फॉर्म्स में आ जाए जैसे डैश इज आफ्टर क्या 39 ध्यान देंगे डैश इज आफ्टर 39 के बाद क्या आता है तो 40 डैश इज आफ्टर 88 डैश इज आफ्टर 88 के सॉरी 87 के बाद क्या या 88 तो 88 के बाद क्या आता है तो यहाँ का 89 Dash is after 99. ठीक है मतलब dash is after 99 के बाद क्या आएगा तो 100 ना 100 is after 99 मतलब 100 जो है वो 99 का after है तो इस तरीके से होगा पीछे वाले क्लास में हमने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सब दिया था उसमें अधिकतर बच्चा एक मतलब गलत बना के हमने सेम किया था
आप इसको क्लियर हो गया, अब उस जो भी आपको होमवर्क मिला था उसको मतलब करेक्शन कर लेना है उसको कॉपी आपने, ठीक है, रिवीजन करके। तो आज के लिए फिर से देते हैं इससे रिलेटेड जो भी होमवर्क है। फिर उसी तरह से वर्ड प्रॉब्लम्स के फॉर्म्स नहीं देते हैं या सिंपल फॉर्म नहीं देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको बिफोर लिखना है, फिर क्या लिखना है इसका, आफ्टर लिखना है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। बाय, हैव अ नाइस डे।